तो आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट करके उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आदिवासी स्वाभिमान और संस्कृति के संरक्षक महास्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने लिखा कि शोषित, पीड़ित और वंचितों के उद्धार में किया गया उनका कार्य, उनके क्रांतिकारी विचार और प्रखर राष्ट्रभक्ति की भावना भारत की भावी पीढ़ी को मानव कल्याण के कार्यों के प्रति प्रेरित करती है। देशभर में धूमधाम से भैया दूज का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी और लिखा कि भाई बहन के अनंत स्नेह और दायित्व बोध के पावन पर्व भाई दूज की समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भाई बहनों के बीच असीम श्रद्धा और अटूट समर्पण बना रहे और सभी को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के भविष्य का आधार बनने वाले प्रदेश के युवाओं से सीधा संवाद किया और उन्हें जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए सफल होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवा स्वयं पर विश्वास करें और सकारात्मकता बनाए रखें। जीवन में जो भी अवसर प्राप्त हों उन अवसरों का लाभ उठाकर परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, यही जीवन का सही उद्देश्य है। मेरी ओर से नौवां बिंदु जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो यह है कि आखिर सरकार जनहित के बहुत कार्य करती है, युवा वर्ग के लिए भी कार्य करती है, तो निश्चित रूप से आप सरकार की नीतियां और कार्यक्रम उनकी भी जानकारी रखें और ये जानकारी का सदुपयोग आपको अपने लिए भी करना है, परिवार के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है और राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। प्रजातंत्र में विरोधियों का काम हमेशा आलोचना करना होता है, अखबारों के अंदर सरकार की आलोचना करना ये कुछ लोगों का अपना ही काम हो सकता है, लेकिन कभी किसी के ऊपर आलोचना का भरोसा किए बिना स्वयं को आजमाएं। कोई भी बात आप सुनते हैं तो उसको स्वयं आजमा कर देखें, अगर कोई चीज ठीक नहीं है तो हमें बताएं, चीज अच्छी है तो लोगों को बताएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई आप ऐसी बात हमको ध्यान कराएंगे कि जो ठीक नहीं लग रही है उसको हम निश्चित रूप से समाज के हित में, प्रदेश के हित में, आप सबके हित में उसको हम ठीक करेंगे। मैं तो आपको आह्वान करता हूं कि हम सब मिलजुल करके प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, जहां सबके लिए सुख का रास्ता आए है, रोजगार है अथवा उसके शरीर स्वास्थ्य, शिक्षा स्वावलंबन, इन सब की चिंता हम लोग मिलकर के करेंगे, आपका हमको साथ चाहिए। दसवां बिंदु मित्रों, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हर तरह के लोग हैं। अब वो सोशल मीडिया हमारे लिए आजकल एक ज्ञान वृद्धि का साधन भी बन सकता है, सोशल मीडिया हमारे व्यवसाय का भी साधन बन सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ शरारती लोग अफरा तफरी फैलाने के लिए बहुत कुछ करने लगे हैं, उनके बहकावे से भी हमको बचना है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान बन जाए, अभिशाप नहीं, तो इस नाते से हम क्या सुनना है, कैसा उपयोग करना है, इसका जरूर ध्यान रखें। कई गवैये गीत गानों में मार फसाद, नशाखोरी, दादागिरी इसी का गुणगान करते हैं और हमारे लिए कई बार वही बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे शायद हमको उसी की लाइन पर चलना, उसी को नकल करनी है उसकी, तो अपने रास्ते से हमको बिल्कुल भटकना नहीं है। अगला बिंदु यह है कि जैसे मानो टेक्नोलॉजी के नाते से हम सोशल मीडिया देखते हैं अथवा बहुत चीज देखते हैं तो अश्लीलता भी बहुत उसमें आज परोसी जाती है, तो इस अश्लीलता से भी हमको बचना है। हमको एडिक्शन, किसी चीज के एडिक्शन ना हो जाए, कोई भी चीज हम बार बार देखते हैं, बार बार खोलते हैं।
भिवानी पहुंचे किरण चौधरी अपने स्वर्गीय पति सुरेंद्र सिंह चौधरी की जयंती पर बीजेपी सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि मैं भी मानती हूं कि बीजेपी सरकार का हर साल बेमिसाल, पर वो झूठे वादे, जुमले और बेरोजगारी में बेमिसाल है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने कहा कि सुरेंद्र सिंह आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। किरण ने ये कहा कि आज सुरेंद्र सिंह जिंदा होते तो वो हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर वन देखकर बहुत दुखी होते। हाँ, ये बेमिसाल, हर साल बेमिसाल जरूर है ये, तो मैं भी मानूंगी उनकी बात बेमिसाल, पर इस बात पे है, बेरोजगारी पर है, झूठे वायदों के ऊपर है, जुमलों के ऊपर है, महंगाई के ऊपर है, जीएसटी लगाने के ऊपर है, व्यापार ठप करवाने के ऊपर है, कोरोना काल में सब कुछ सत्यानाश करने के ऊपर है, और जो है बिजली पानी सब कुछ जो देख लो, हर चीज जो है सत्यानाश आम जनता का हो रहा है। फैमिली आईडी जो इन्होंने लागू कर दी है, प्रॉपर्टी आईडी जो लागू कर दी है, सबका सारा का सारा जनता का नाश करने पर तुले हुए हैं, तो बेमिसाल तो जरूर है। वहीं अंबाला रोडवेज के कर्मचारियों की हत्या मामले में अपडेट सामने आया है, जहां आपको बता दें कि रोडवेज यूनियन के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम रहा। तो वहीं अंबाला डिपो से भी आज एक भी बस रोडवेज के बेड़े में बाहर नहीं निकली। अब तक मृतक के परिजनों और यूनियन कर्मचारियों से प्रशासन की कई दौर की बैठक विफल रही है, जिसके बाद यूनियन ने पूरे हरियाणा में बीती रात 12 बजे के बाद चक्का जाम करने का आह्वान किया था। परिजन हथियारों की गिरफ्तारी की मांग के साथ परिवार में एक युवक को नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रोडवेज के इस चक्का जाम से बस में सफर करने वाले यात्रियों को वापस लौटना पड़ रहा है। दिन ऑन ड्यूटी यहाँ मर्डर कर दिया गया है, पुलिस के सामने पीसीआर वहीं खड़ी थी, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है ना सरकार की तरफ से, हमें कोई सहायता मिली है। दिवाली के दिन हमारे साथी राजवीर का अंबाला कैंट के बस स्टैंड के गेट पर मर्डर कर दिया गया, और परसों से हमारे साथी की डेड बॉडी परिवार के सहित यहाँ बस स्टैंड पर बैठे, हमारे सैकड़ों कर्मचारी उनके साथ बैठे, लेकिन दो दिन से सरकार कौन सी नींद में सो रही है कोई पता करने के लिए भी यहां नहीं पहुंचा। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में 3 साल की बच्ची का थैले में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल 3 साल की बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बच्ची के परिजनों का कहना है कि बच्ची दोपहर को खेल रही थी कि तभी अचानक गायब हो गई। पहले उसे आसपास ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसका पता नहीं चला तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बच्ची की तलाश चल रही थी तभी बाथरूम के अंदर एक थैला मिला, थैले के अंदर बच्ची की लाश पड़ी मिली। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, तो वहीं गला रेत कर उसकी हत्या की गई थी। बच्चों के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के पोस्टमार्टम के बाद ही असली कारण पता चल पाएगा। बच्ची इस दोपहर को 1:30 बजे से लापता थी। अच्छा। उसके पेरेंट्स उनके मकान मालिक सारे ढूंढने में लगे हुए थे, पुलिस को रिपोर्ट भी की, पुलिस उस अवस्था में बताई कि आप ढूंढो, बाकी हम उनकी कोशिश करते हैं। जिस टाइम दोपहर से घूमते घूमते शाम हो गई, रात अंधेरा होता चला गया, दौरान पुलिस वाले यहाँ भी थे, मौजूद थे उस टाइम, 8:30 बजे से 9 बजे तक पुलिस वाले मौजूद थे। बच्ची इस मकान का किरायादार आया नाइट 9 बजे, जब वो अपनी लैट्रिन बाथरूम गया, हाथ पैर धोने के लिए गया, तो बैग में डेड बॉडी पैक पाई गई है बच्ची की। कल 1:30 बजे के बाद से गायब हो गए। आप लोग कहाँ थे सर? हम लोग रूम में ही थे। अच्छा, हम रोज की तरह बच्ची आती जाती थी, खेलती थी वो, तो उसे उसके 5 मिनट बाद गायब हो गई, तो ये खोजने लगे, उसके बाद नहीं मिला तो हमको कही, तो हमारे पूरे
मोहल्ला वाला मकान वाले के कहे तो सब आदमी खोजने लगे। उसके बाद फिर 4 बजे थाने पे गए, थाने में कहे, और उसके बाद थाने में से फिर आए, फिर थाने वाले कहे कि खोजिए उसके बाद आइएगा फिर हमारे पास। तो फिर 7:30 बजे करीब में गए तो थाने वाले उधर से आए, तो इधर चेक कर रहे थे तो उसी में मकान में कोई आया तो वही हल्ला किया तो बता रहा था। भाई बहन के पवित्र त्योहार भाई दूज का रंग उस वक्त फीका हो गया जब रोडवेज कर्मचारियों ने देर रात चक्का जाम का आह्वान कर दिया। त्योहार मनाने के लिए लोग अपने पैतृक घर जाने के लिए बस स्टैंड तो पहुंचे, लेकिन उन्हें हरियाणा रोडवेज की एक भी बस नहीं मिली। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि 3 दिन से अम्बाला में हो रखे प्रदर्शन के बाद भी जब पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया तो सरकार बातचीत के लिए आगे आई है। आज शाम को होने वाली बैठक में अगर सकारात्मक परिणाम निकला तो उसकी हड़ताल स्थगित होगी, अन्यथा यह हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए होगी। वहीं इस हड़ताल का असर शहर में देखने को मिला। आपको बता दें कि दिवाली की रात को अम्बाला डिपो में तैनात रोडवेज कर्मचारी राजबीर की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। इसके विरोध में उन्होंने राजबीर के शव का अंतिम संस्कार तक नहीं किया। वो सरकार के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता देने और एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की है, जिसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में रोडवेज का चक्का जाम है। हर सोनीपत जाना चाहती हूँ क्योंकि आज त्यौहार है और हम बड़े परेशान हो रहे हैं। आधा पौना घंटा हो गया है और मुझे तो पैर में भी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं बस में ट्रैवल करने में भी दिक्कत आती है। आज इतना परेशान होकर जो मैंने देखा है यहाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि त्यौहार पे हम इतने परेशान हो गए। देखिए, दिवाली वाली रात हमारा एक चालक साथी जो हमारा डिपो में कार्यरत था, ऑन ड्यूटी 4-5 बदमाश एक गाड़ी से आए और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद गाड़ी का नंबर सीसीटीवी फुटेज वो हमने वहाँ जो पुलिस प्रशासन है उसको सौंप दी थी। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हत्या हुई, गिरफ्तारी हुई। 2 दिन तक हमने इंतजार किया। शाम को 5 बजे हमने सभी कर्मचारियों की यूनियन के लोगों की मीटिंग बुलाई है और दुखद घटना है कि जिस तरह से अम्बाला में हमारे ड्राइवर की जो मौत हुई है और जो जानकारी मिली, तीनों जो दोषी थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो भी कार्रवाई सख्ती के साथ करेंगे, जो भी और दोषी हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने का काम करेंगे। अम्बाला में राजवीर नाम के एक रोडवेज कर्मचारी की 5 दिन पूर्व की गई हत्या के बाद उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए चक्का जाम किया गया। वहीं रोडवेज का चक्का जाम यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। झज्जर रोडवेज डिपो से हर रोज चंडीगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद समेत 5 रूटों के लिए बसें चलाई जाती हैं। इन बसों में सैकड़ों यात्री सवार होकर अपने गंतव्य के लिए सफर करते हैं। रोडवेज कर्मचारियों का कहना था कि उनकी मंशा किसी भी यात्री को परेशान करने की नहीं है, वो तो केवल अपने मृतक साथी कर्मचारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने रोडवेज का चक्का जाम किया है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जब तक उनके मृतक साथी कर्मचारी के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो चक्का जाम के फैसले को वापस नहीं लेंगे। उधर रोडवेज के चक्का जाम के दौरान झज्जर रोडवेज बस स्टैंड पर पुलिस भी काफी मुस्तैद दिखी। ये 12 तारीख को रात 2:30 बजे हमारा एक राजवीर चालक था जिसकी ड्यूटी अम्बाला पार्किंग में लगी हुई थी पर्ची काटने की। जो प्राइवेट बसें आती हैं उनकी पर्ची काटते हैं, स्टैंड फीस की पर्ची काटते हैं। तो उस समय कुछ शरारती तत्व आए, 4-5 आए, जिसका गाड़ी नंबर था 419G 8118। उसमें आके उसके साथ
बहसबाजी करने लगे। जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उसको लाठी डंडों से उसके साथ मार पिटाई करी गई, जो कि वो गंभीर अवस्था में वहाँ पड़ा रहा। और कुछ बाहरी आदमी उसको कार में बैठा के मेडिकल ले गए, मेडिकल से वहाँ चंडीगढ़ रेफर किया, रेफर करते ही उसने रस्ते में। अम्बाला में दीपावली की रात रोडवेज बस ड्राइवर राजवीर की हत्या और अभी तक हथियारों की गिरफ्तारी न होने से नाराज पूरे प्रदेश के रोडवेज कर्मचारियों ने बैठक कर चक्का जाम करने का ऐलान किया था, जिसके चलते अम्बाला के बाद कैथल में भी रोडवेज के कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया है। और कर्मचारियों का ऐलान है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता और रोडवेज का चक्का जाम रहेगा, जिसके चलते कैथल बस स्टैंड पर पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। रोडवेज परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, वहीं रोडवेज अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। महावीर सिंह संधू, रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 का डिपो प्रधान कैथल। आज किन मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया? देखिए, दिवाली की रात को अम्बाला डिपो के अंदर हमारा चालक जो नाइट ड्यूटी पर था, उसको कुछ शरारती तत्वों द्वारा एक कार में आते हैं 4 से 5 लड़के, और वो अपनी ड्यूटी पर था और उन्होंने मतलब की एक जो नशे की धुत में सवार थे, उन्होंने हमारे ड्राइवर पर हमला कर दिया और उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वो कल परसों रात से उसकी डेड बॉडी अम्बाला कैंट में बस स्टैंड पर रखी हुई है। मेरा नाम ज्ञान सिंह राठी, स्टेट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, रजिस्ट्रेशन नंबर 1947। आज किन मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे? ये दीपावली की रात की बात है, करीब 1:30 बजे की अम्बाला कैंट पे हमारा एक ड्राइवर साथी जिसका नाम राजवीर था, वो अपनी ड्यूटी पर तैनात था गेट पर, और डस्टर गाड़ी में 4-5 बदमाश आए, उन्होंने गेट में गाड़ी अड़ा दी। जब उस कर्मचारी ने उनको वहां से गाड़ी हटाने के लिए बोला तो इस बात से नाराज होकर के उन्होंने उस कर्मचारी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई। पहले उसको सिविल हॉस्पिटल अम्बाला में ले जाया गया, वहां से उसको PGI रेफर कर दिया 32 में, और वहां पे उसकी उपचार के दौरान डेथ हो गई है। तो आरोपी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? आरोपी अभी पुलिस कह रही है पकड़े गए, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। सुनील पुआल, मैं कैथल डिपो प्रधान ऑल हरियाणा वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 1947। सर, क्या कुछ मांगे हैं जी आपकी? मांगे हमारा कर्मचारी साथी राजवीर, जो पूरा भारत वर्ष दीपावली पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहा था, और हमारे रोडवेज के बहादुर कर्मचारी लोगों को अपने घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं बड़ी मेहनत और लगन से, और इसी में हमारा साथी राजवीर अम्बाला डिपो से रात के टाइम ड्यूटी पे था और कुछ बदमाश लोग वहाँ आए और जिन्होंने उसके ऊपर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया और साथी की मृत्यु हो गई, और जिस कारण सभी रोडवेज कर्मचारी एकजुट होकर संघ मोर्चे के आह्वान पर हम चक्का जाम कर दिया। हरियाणा के अम्बाला में रोडवेज कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान 4 बदमाशों ने हत्या कर दी। इसके विरोध में पूरे हरियाणा के रोडवेज कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। रात 12 बजे से ही कर्मचारियों ने चक्का जाम शुरू कर दिया। वहीं रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक पुलिस द्वारा हत्यारों को पकड़ा नहीं गया है। रोडवेज कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए, इसी मांग को लेकर पूरे हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल और चक्का जाम किया है। मांग न पूरी हुई तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। ये हड़ताल जी हमारे 12/11/2023 को अम्बाला कैंट पे हमारे कर्मचारी राजवीर सिंह ड्यूटी पर थे, उनके कुछ अज्ञात बदमाश उनकी हत्या कर गए और उन बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए है। और ये हड़ताल हमारे पास जो हमारे साझा मोर्चा ने कॉल की है,
उसकी आज की हड़ताल है। रोडवेज के कर्मचारियों ने जो हड़ताल रखी है उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे पुलिस प्रवर श्री सुमेर सिंह जी जी, पुलिस अधीक्षक डवाली व श्री गुरजाल सिंह डीएसपी जी के नेतृत्व में ये पुलिस फोर्स को आदेश दिए गए हैं कि बस स्टैंड हरियाणा रोडवेज कालांवाली पर पुलिस का जो प्रबंध किया गया है वो जनता को मद्देनजर रखते हुए उनकी परेशानियों को देखते हुए ये ड्यूटियां लगाई गई हैं। प्रदेश भर के साथ आज रेवाड़ी में भी सांझा मोर्चा के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने धरना देकर चक्का जाम किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों के धरने को देखकर पुलिस बल के साथ एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ी भी तैनात की गई। रोडवेज के चक्का जाम होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं प्राइवेट बसों ने बस स्टैंड के अंदर से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। अभी सरकार ने आज बातचीत का समय दिया, प्रधानमंत्री ने 5 बजे उसमें मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है, अगर वो साझा मोड़ता कुछ आगे आंदोलन का फैसला लेता तो आंदोलन को आगे बढ़ाता। ये हमारा एक साथी दीपावली के दिन ड्यूटी पे तैनात था अम्बाला डिपो में, जिसको बेवजह से बेरहमी से पीटा, जिसके कारण उसकी निर्मम हत्या हो गई। उसके ना उन आरोपियों का अभी तक गिरफ्तार किया गया है, ना उन पर अभी कोई कार्रवाई हुई। दीपावली के दिन हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर की हत्या किए जाने के मामले को लेकर रोडवेज कर्मचारी डिपो के कर्मचारी भी पूरी तरह से आक्रोशित हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक रोडवेज कर्मचारियों की हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। ये हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर है, पूरा हरियाणा का चक्का जाम है और इसका जो मुख्य कारण है वो प्रशासन है। प्रशासन ने हमारा जो रोडवेज का एक कर्मचारी भाई राजवीर सिंह ड्राइवर जो ड्यूटी पर था, वो ड्यूटी के दौरान 4-5 बदमाश आके उसकी हत्या कर देते हैं। ये 3-4 दिन दिवाली वाले दिन तक की बात है। प्रशासन को हमने 3 दिन का टाइम भी दिया, उनसे बातचीत चलती रही भाई कार्रवाई करे, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, अभी तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं की।